की हुकूमत और सूबे की हुकूमत मिलकर इंशाल्लाह हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सेक्रेटरी जनरल को आया शराब देने के लिए, उसे पैसे मांगने शुरू हो गया। सो आई नो व्हाट इट मींस फॉर द पाकिस्तानी पीपल दिस अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल डिजास्टर। सेक्रेटरी जनरल साहब के शुक्रगुजार हैं कि हमारा मुश्किल घड़ी में, हमारे दुख दर्द में वो शरीक हुआ है। सलाम मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं है। गुजरा के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए। किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने, प्राइवेट ने एक रुपया भी शहबाज शरीफ हुकूमत के फंड में नहीं डाला। इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कितना बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। यकीनन आज बड़ा एक्साइटिंग मैच है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच है और साथ साथ इमरान खान का टेलीथॉन भी। लेकिन बारिशों और सैलाब की वजह से यहां पाकिस्तान में नाकाबिले तसव्वुर तबाही हो चुकी है। आज दो तिहाई पाकिस्तान पानी में घिरा हुआ है। यहां पर लोग गुर्बत की वजह से, महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, गुर्बत की वजह से मर रहे थे, ऊपर से बारिशों ने इन्हें दबोच कर रादर सैलाब के मुंह में डालकर मौत की तरफ धकेल दिया है। आज पाकिस्तान इमदाद का मुंतजर है। पाकिस्तानी इधर उधर देख रहे हैं, अपने माशरे की तरफ, अपनी हकूमत की तरफ, अपने इदारों की तरफ और दुनिया की तरफ के खुदा के लिए आए हमारी जिंदगी बचाएं, क्योंकि अभी हम जिंदगी बचाने की स्टेज पे हैं। रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन बहुत देर में आएगी। अभी तो उनको भूख से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, उनको शेल्टर देकर बेसरो सामानी से बचाना है। मैं आज का ये प्रोग्राम सैलाब जदगान के हवाले से आपके सामने पेश कर रहा हूं और इंतहाई रेलिवेंट मौजूद मेहमान, मैं उनका तारफ करा देता हूं। जनाब नादिर गुल ब्रिज साहब, पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड के आप CEO हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यासिर खान नियाजी साहब हेल्थ एक्सपर्ट हैं नाजरीन, अकबर खान नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के सरबराह हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है मिस फरा अदीम शाह साहिबा ने, तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, बहुत शुक्रिया फरा शाह साहिबा आपने वक्त दिया। नादिर गुल ब्रिज साहब ये फरमाइए, आप खुद बलूचिस्तान से हैं, क्वेटा से हैं, तबाह हो गया इधर उधर का इलाका, मेन शहर तो शायद इतना अफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो किस तरह के मसाइल का सामना है वहां पर और क्या इकदामात कर रही है हुकूमत या इदारे? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शौकत पराज साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली कैटेस्ट्रफी बहुत बड़ी है। मैं अगर ये कहूं कि हमारी जिंदगी में हमने ये सबसे बड़ी कैटेस्ट्रफी देखी, तबाही का लेवल, तबाही का लेवल बहुत बड़ा है। हमने 2005 का अर्थक्वेक भी देखा, हमने 2010 का सैलाब भी देखा और ये 2022 का सैलाब भी हम देख रहे हैं। तो 2005-10 के सैलाब को अगर हम देखें, वहां उस वक्त जो है ना कोई 1/5 एरिया जो था पाकिस्तान का इनडेटेड था वाटर में, लेकिन अब जो है वो हाफ पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर है। 33 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। कैटेस्ट्रफी बहुत बड़ी है और सबसे ज्यादा तबाही सिंध के अंदर आई है, क्योंकि पानी जितना भी है सैलाब का, चाहे दरिया काबुल से है, इंडस्ट्री वर्क है, वो आखिर सिंध में पहुंचा है। उसके बाद बलूचिस्तान बहुत ज्यादा इफेक्टेड है पंजाब के। अभी क्या मसाइल क्या नजर आते? देखिए सबसे पहले तो मसाइल ये कि लोग बेघर हो गए। सबसे पहले तो उनको झोंपड़े की जरूरत है, टेंट की जरूरत है, सर छुपाने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये इस मरतबा बारिशें 17 जून से शुरू हुई और अभी तक चल रही है। आज भी सिंध के कुछ एरियाज के अंदर बारिश हुई है और पंजाब में इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़ी बारिश यहाँ भी हुई है। तो सर छुपाना सबसे पहले, मैं खुद गया हूँ सिंध का, मैंने विजिट किया है, बलूचिस्तान का मैंने विजिट किया है और उसमें यह सबसे पहले तो शेल्टर लोगों को जरूरत है कि कम से कम पानी से बचा जा सके, जो बारिश हो रही है या मौसम की जो सिवेरिटी है उससे बच सके। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो खाने का है, फूड का है। यकीनन हम जब सिंध में गए तो लोगों ने यह भी कहा कि जी पहले 2 वक्त का खाना मिलता था, अब 1 वक्त का भी नहीं मिल रहा। तो फूड आइटम बहुत जरूरी है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तानी कौम को कि फूड काफी हद खाने तक लोगों की हद ने, तक लोग ने काफी हद तक इसमें जनरसिटी का मुजाहरा किया है। उसके बाद लोगों को नॉन फूड आइटम की जरूरत है। देखें घर में सामान सारा चला गया, अगर आप उसको राशन भी देते किस चीज पे पकाएंगे? चूल्हा नहीं है, देग नहीं है और सामान नहीं है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, हामला माएं हैं उनकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसके साथ साथ अभी जो उनके लाइव स्टॉक हैं उनकी वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट की जरूरत है, ताकि जो माल मवेशी बच गए, 7.5 लाख से ज्यादा माल मवेशी हमारा बह गया इसके अंदर, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ताकि आपकी जो तंजीम का नाम ही पावर्टी एलिविएशन फंड है, आप क्या कर रहे हैं? हमने
कोई 17 जून को जैसी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, हमने 250 मिलियन एलोकेट किए, कोई 80,000 लोगों के लिए हमने पैकेज तैयार किए जिसमें फूड आइटम है, नॉन फूड आइटम है, लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में अगर ये समझू। इसके अलावा हमारे पार्टनर पूरे पाकिस्तान के अंदर 130 एनजीओ हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी इदारे आप समझते हैं रूरल सपोर्ट है, इनको हम फंडिंग करते हैं, तो सारे इदारे हमारी फंडिंग के अलावा भी इकट्ठा कर रहे हैं अपने तरफ से भी। वैसे मैं कराची गया, कराची के अवाम इतनी जेनरोसिटी दिखा रहे हैं, कराची की तंदी में बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बड़े शहरों के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो असल इश्यू है वो ये है कि जो अभी तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये एक बड़ी अजीब कॉम्प्लिकेटेड कैटास्ट्रफी है कि नॉर्मली होता था कि फ्लैश फ्लड आते थे वो चले जाते थे, इसके बाद ये कि आप अर्ली रिकवरी रिहेबिलिटेशन पे लगते थे, लेकिन 17 जून से अब तक तो हमारी आर्मी एफसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू में लगी है, तो साइमल्टेनियसली आपका रेस्क्यू भी चल रहा है, रिलीफ भी चल रहा है, फिर जो एरियाज हैं हिली एरियाज हैं वहां से पानी निकल गया वहां पर अभी अर्ली रिकवरी की भी रिक्वायरमेंट है। मैं रिकवरी पे आता हूं, यासिर खान नियाजी साहब, पानी खड़ा है जहां से फ्लो भी कर गया वहां भी पॉन्ड्स खड़े हैं और बारिश का पानी है, पता नहीं कहां कहां से बह के आया है, सिंध में तो वैसे ही खड़ा है। इन हालात में आप देख रहे हैं, कोई अब नई बात नहीं है कि बारिशें हुई हैं, जो बड़ा चैलेंज है सेहत के हवाले से क्या मसाइल आपको नजर आते हैं? जी सेहत के लिहाज से तो अभी प्रॉब्लम शुरू हुई ही नहीं है, यानी अभी तो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये खड़ा हुआ पानी जो है जितनी देर ये खड़ा रहेगा सेहत के जो मसाइल हैं वो उसी तरह कंपाउंड होते रहेंगे, यानी खड़े पानी के कॉन्सिक्वेंसेस के असरात होंगे, फिर चूंकि वो खुले आसमान के नीचे हैं, शेल्टर नहीं है, तो उनको और चीजों के लिए एक्सपोज करते हैं, फिर जैसे इन्होंने कहा कि खाना की जो क्वालिटी ऑफ फूड है, सेहत के मसाइल का अदराक हमें और जो है चैलेंज जो है वो कुछ अरसे के एक दो हफ्तों के बाद हमें होगा। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो आज हम फेस कर रहे हैं, आज तो ट्रॉमा है ना जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिजीज और इफेक्ट हेल्थ के ऊपर होगा वो अगले एक दो हफ्तों के अंदर हमें उसके असरात नजर आएंगे और अगे हमें उसकी अदराक करके जल्द अज जल्द उसके लिए कुछ अभी आज की स्टेज पे आज के सूरत हाल पे क्या मेडिसिन जानी चाहिए उन एरियाज में, किस तरह की अद्वियात जानी चाहिए, सिरप है, टेबलेट्स है, पानी का तो हम कहते हैं कि साफ पानी चाहिए? हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा। यानी इस वक्त जो उनको जरूरत है वो है वाटर बॉर्न डिजीजेस की, जिसके अंदर आपके लिए बेसिक ORS, फ्लैजल, यानी हैजा का मसला हो सकता है उसकी, फिर आपकी इंसेक्ट बाइट जो जिसके हैं कीड़े के काटने की जो है उनकी जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की, या डेंगू की शिकायत आ रही है, फिर अब मलेरिया की और डेंगू की, और उसके लिए उनकी उनकी जरूरत है। ये क्या मेडिसिन? देखें जी, बेसिकली तो ये है हैजा की, तो हमारे पास दो तीन है, एंटीबायोटिक फ्लैजल है, ORS है, पानी है, और पानी साफ करने की गोलियां, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी साफ करने की गोलियां। अगर हम जो हजरात जो हेल्थ में काम करने के लिए सोच रहे हैं तो उनको अगर मैं कहूं तो इस वक्त उनको कहूंगा कि जी पहले पानी साफ करने वाली गोलियां, दूसरा ORS क्योंकि उनके सॉल्ट इंबैलेंस हो रहा है डायरिया की वजह से, फिर डायरिया कंट्रोल करने के लिए मोडियम्स, फ्लैजल्स, इस किस्म की दवाइयों की जरूरत है, और फिर जो खवातीन हैं उनसे जो उनके रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी दवाइयों की इस वक्त, क्योंकि वो सड़क पर हैं, उनको मैं खवातीन वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, फरादीम शाह साहबा, मसलसल हम आपको भी फील्ड में देख रहे हैं और यकीनन आप बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड एरियल व्यूज हम देख रहे हैं, जो ग्राउंड पे आप देखते हैं मसाइल इतने ज्यादा हैं, वसाइल बहुत कम हैं, तो कैसे बैलेंस हो पाएगा? ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शौकत साहब बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये शो किया और सैलाब जदगान को याद रखा, हालांकि दो बहुत बड़े इवेंट्स जो हैं उनका भी आपने जिक्र किया। देखिए बलूचिस्तान की अगर मैं बात आपसे करूं तो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। अब 44% ऑफ द पाकिस्तान इज बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसीलिए बिगड़ी रहती है कि वहां पर माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इवन के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर बुनियादी सहूलतें तक मुयस्सर नहीं है लोगों को। और अब आप सोचें कि जब ये सैलाब आया है और पिछले 2.5 महीने से 12 जून से ये सिलसिला शुरू होता है जो अब तक जारी है, और ये इतनी शदीद बारिशें हैं और ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं इसने इतनी तबाही ये लेके आया है बलूचिस्तान में कि मैं जितनी भी बात करूं मेरे ख्याल से कम होगा। और ग्राउंड रियलिटीज अगर आप जाकर देखें
तो पहले ही बलूचिस्तान का मसला गुर्बत है, माशी मसला है, और अब इन सैलाब की जो तबाहकारियां हैं ये आप देखें कि फिर अब जिस तरीके से पानी बहुत सारे इलाकों में अभी भी खड़ा है, लोग जो हैं सड़कों पर रह रहे हैं, खुले मैदान तले रह रहे हैं, रिसोर्सेज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास बहुत ही महदूद हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी तमाम टीम, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को हाई अलर्ट किया हुआ है, और हम जो हैं प्रोमिनेंट एनजीओज ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एनजीओज, सबको एंगेज कर रहे हैं कि ये टाइम है कि बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, नहीं तो बलूचिस्तान 30 से 35 साल मजीद पीछे चला जाएगा। पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बिगड़ी रहती है, एहसास महरूमी पहले भी है, एहसास महरूमी पहले भी है, और अगर अब इग्नोर किया गया, अब निगलेक्ट किया गया, तो उसके भी फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। शौकत साहब, ये एक आतिशफिशां है और जो फटने ही वाला है। मैं बार बार तवज्जो दिलवा रही हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की भी तवज्जो दिलवा रही हूँ कि बलूचिस्तान पर तवज्जो करें, क्योंकि बलूचिस्तान के माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पहले ही बुनियादी सहूलतों का फुकदान है वहां पर, और अब ये सैलाब की तबाहकारियां बहुत ज्यादा हैं कि आप ये देखें कि लोगों के पूरे घर बह गए हैं। कर्ज लेके जिन्होंने फसलें उगाई थी उनकी फसलें बह गई हैं पानी में, लाइफ स्टॉक बह गया है। तो अब आप देखें कि बलूचिस्तान का क्या हाल होगा। हालांकि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुतहरिक है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं नाज़रीन, और वजीर आजम भी वहां जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कई बार वहां गए हैं, अब दीगर लीडर्स भी जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मैसिव लेवल है तबाही का, इतनी वसी पैमाने पर तबाही हुई है कि उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। और वैसे बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रही हैं मिस फरा अजीम शाह साहिबा, तो मैं ये भी आज आपको नाज़रीन याद दिला दूं, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है, और ब्रिटिश इंडिया में कायदे आज़म ने सबसे पहले बलूचिस्तान के हकूक की बात की थी। मैं ये भी याद करवा दूं कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए तो उसमें एक मुतालबा ये भी था कि बलूचिस्तान को एक सूबा बना दिया जाए, जो ब्रिटिश इंडिया के दीगर सूबों के बराबर हकूक देना थे, वो कायदे आज़म ने ये आवाज उठाई थी। सब पाकिस्तानी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, केपी में बहुत तबाही हुई है, पाकिस्तानियों का रद्द अमल है, पाकिस्तानी मुस्बत रद्द अमल दे रहे हैं। मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नियाज़ी साहब ने बात उठाई ख़वातीन के हवाले से, मैं ये नुक्ता जरूर उठाना चाह रहा हूं इनके साथ, क्योंकि मैं भी उन इलाकों में गया हूं, अब बेसिक जो जरूरियात होती हैं ख़वातीन की वो नहीं है, फिर उनकी जो डिजीजेज हैं पर्टिकुलर, वो हॉस्पिटल ही नहीं बचे, वहां डॉक्टर ही नहीं बैठे हुए, तो ये करेंगे क्या, ये क्या एडवाइस करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं बार बार कह रहा हूं कि यकीनन मैच भी है और बड़ा मैच है, इसमें कोई शक नहीं है, और इमरान खान का टेलीथॉन भी, लेकिन पाकिस्तान में इतनी तबाही हुई है, मैंने खुद थोड़ी सी जाकर देखी है, आप भी देखते हैं टेलीविजन चैनल पर, या फिर जब भी कोई लीडर जाता है हेलीकॉप्टर पर तो वो भी जहाज पर वो भी आपको नजर आता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद कहा कि तसव्वुर से ज्यादा तबाही हो चुकी है, और जो हम जाके देख आए हैं मुख्तलिफ गांव में, दूर दराज इलाकों में, मैं तो खैर बयान भी नहीं कर सकता। न्याय साहब, आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, आपने खवातीन की बात की, बच्चियां हैं, खवातीन हैं, बहुत छोटी बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक मसाइल ही मसाइल हैं, क्या फिर करना चाहिए इस पर्टिकुलर शोबे को एड्रेस करने के लिए? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि हमें इस वक्त जो इस वक्त का इदराक करना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हेल्थ की एक इमरजेंसी अभी नहीं आई, हम अगले एक हाथ हफ्ते के अंदर इसको फेस करना शुरू कर देंगे। हमें मास मोबिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की जरूरत है, हमें इमरजेंसी नाफिज करके जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं जो शहरों में बैठे हुए हैं, इनकी वॉलंटियर फोर्सेस बना के वहां पे डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, अभी से प्लान करके फील्ड हॉस्पिटल सेटअप की जरूरत है, जिसके अंदर सिर्फ ये हम वॉलंटियर्स पे और वॉलंटियर हॉस्पिटल के जाके वो अपने कैंप्स लगाएं उस पर नहीं, एक कंसर्टेड, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जरूरत है, और खास तौर पे गायनी और जो हमारे फीमेल के डिपार्टमेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है, और उनको वो टूल्स वहां पे देना। ये गायनी वाली जो आपने बात की, इनिशियल कैलकुलेशन था कि कम से कम कोई 5 लाख
लाख खवातीन इन सैलाब ज़दा इलाकों में दे आर प्रेग्नेंट। बिल्कुल, उनका क्या होगा? उनको तो हर दो हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद, महीने बाद उनको चेकअप के लिए एग्जैक्टली जी वही तो बात है कि वहां पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फील्ड हॉस्पिटल वो ये सिर्फ कैंप के जरिए या दवाइयां देने से वो मसाइल नहीं हल होंगे, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की और एक जरूरत है। डिलीवरीज सड़कों पे डिलीवरीज हो रही हैं, इसकी इतलात हमें आ रहे हैं, बच्चों को मॉल न्यूट्रिशन की वजह से क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मिले एक खातून से जिनके यहाँ उसी दिन बच्चा पैदा हुआ था, बलूचिस्तान में था। तो इसलिए हमें जो है मेरी एडवाइस टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर की ये होगी कि जी आप वॉलंटियर नेशनल मूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स करें और रिक्रूट करें और आप इनको ऑर्गेनाइज करके एक खुद डिप्लॉयमेंट करें, क्योंकि अगर हमने ये इक्का दुक्का लोगों पर ये छोड़ दिया तो उस तरीके से जो हमें हेल्थ की इमरजेंसी नजर आ रही है उसको एड्रेस करने से खुदा ना खास इलाकों में जहां कम्युनिकेशन भी मुतासर हुई, सड़कें भी टूट गई, ब्रिजेस भी टूट गए, आगे रहने का भी इंतजाम नहीं है, खवातीन के लिए तो फिर फीमेल डॉक्टर जाएं, वो तो बड़ा मसला होगा खुद डॉक्टर्स के लिए इन इलाकों में जाएं। बिल्कुल जी, यही तो मोबिलाइजेशन के लिए, इसलिए तो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट की मोबिलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल्स नहीं जा सकते हालात की वजह से। और फिर खास तौर पे ओवरनाइट अगर ट्रिप हो तो फीमेल डॉक्टर्स को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, उनको मोबिलाइज करना, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट और ऑर्गेनाइज मोबिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स के बगैर वो नहीं मुमकिन। तो इसलिए मेरी इल्तिजा यही होगी कि प्राइवेट सेक्टर भी स्टेप अप करे जी, आगे बढ़े, अपना रोल अदा करें और आके हमें एक मास मोबिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर जो बड़े शहरों में है, कराची वगैरह, हैदराबाद में जो करीब के शहर हैं, वो नहीं बल्कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहां पर भी जो डॉक्टर इस वक्त मौजूद है और जो अपना वक्त दे सकता है, वो सिर्फ घंटे नहीं उसको दिनों की बात करनी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त आपने बात की कि वॉलंटियर मूवमेंट फ्रॉम द डॉक्टर्स, मेडिकोज, जो डॉक्टरों के अलावा जो आपका पैरामेडिक्स होते हैं वो जाना चाहिए। बड़ी साहब, आप तो इदारा हैं मदद करने के लिए, कोई ऐसा जायजा मौजूद है कि लोगों की जरूरियात हैं क्या अभी उधर उन इलाकों? लेकिन जैसे मैंने बताया कि इमीडिएटली तो वही है कि शेल्टर की नीड है, राशन की नीड है, हेल्थ केयर के प्रोविजन की नीड है, लाइव स्टॉक के लिए इमीडिएटली उनकी वैक्सीनेशन की नीड है, उनकी फॉर्डर की नीड है। वैक्सीनेशन आ गई ना कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल की, जैसे वो बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे अल्लाह के लिए पानी जैसे निकलता है जिसको 3 महीने लगेंगे, ये ऐसी कैटेस्ट्रोफी है जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ, अर्ली रिकवरी, रिहैबिलिटेशन साथ साथ चलती है। 3 महीने तो कम से कम, ये जो सिंध का एरिया है जो किनारे रिलेटेड है बलोचिस्तान का, इसमें पानी खड़ा रहेगा। हमारा 2010 का भी ये एक्सपीरियंस है कि वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, वहां ये पानी इवेपोरेट होगा, इसके निकलने की कोई चांस नहीं। वाटरिंग नहीं हो सकती कि आप पंप करके एक फील्ड से दूसरे फील्ड में डाल दें, बड़ा खड़ा रहेगा, बड़ा एरिया है उसको, तो लिहाजा इसने बुखारात बन के उड़ना है, ये धूप आएगी, धूप निकलेगी, ये उड़ेगा। ये हमने 2010 का भी हमारे ये एक्सपीरियंस था, कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं इसके इवेपोरेट होने में। इसके साथ साथ जहां से फ्लैश फ्लड गुजर गए हिली एरियाज में, वहां पे इमीडिएटली जरूरत है लोगों को कि उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, पीने के पानी की स्कीमें इमीडिएटली रेस्टोर की जाए, क्योंकि देखिए आपके 20 बीमारियां ऐसी हैं जिसका ताल्लुक पीने के पानी से है, डायरेक्ट सैनिटेशन के साथ है, उसकी जरूरत होगी। दूसरा एक और इश्यू जो इस वक्त है रिलीफ के अंदर, वो ये है कि जो कैंप लग गए हैं, जो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर आप देखें या जो हमारे कैनाल हैं उसके बेड्स के ऊपर लोग पड़े हुए, उनके लिए आपको वॉशरूम की जरूरत है। खवातीन जो है वो कहाँ जाएंगी, चारों तरफ पानी खड़ा है। फिर इसके साथ साथ हमारी एक फसल तो चली गई इस वक्त, आने वाले दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अक्टूबर के महीने में जहां से पानी निकल गया है इमीडिएटली किसानों को हम सीड प्रोवाइड करें, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें, ताकि अगला सीजन हम कैच कर सकें। ये तो थी गंदम की फसल ना, गंदम गंदम का सीजन है, ये तो सोइंग सीजन है, ये बीजने का सीजन है और वो खराब हो रहा है। एग्जैक्टली, तो ये कह रहा हूँ फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा आपको पता है कि हमें 3 बिलियन यूरो का साल का हमें जीएसपी प्लस स्टेटस यूरोप की तरफ से है, जिसके लिए हमें कॉटन चाहिए, और कॉटन खराब, कॉटन बिल्कुल हार्वेस्टिंग स्टान वाली तो खत्म हो गई, सिंध वाली भी खत्म, पंजाब वाली भी खतरा, राजनपुर एरिया में सारा देख लें आप, कॉटन चली गई है। अब इसके ऊपर जो इंपोर्ट बिल आपने देना है वो एक और इशू है कि ऑलरेडी एक इकोनॉमी हमारी जो है ना वो मुश्किल से दो चार, लेकिन अभी जो इमीडिएट रेस्क्यू रिलीफ, लोगों की जिंदगी बचाना, उन्होंने निजी शोबे की बात की, हम बात कर रहे हैं मुआशरे की,
आप इसको कैसे देखते हैं? मुतमैन है इस बात से जो मुआशरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, निजी शोबा कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए जी, पाकिस्तानी कौम तो बड़ी रेजिलिएंट कौम है। हमने हर किस्म के मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर का मुकाबला किया है। बड़ी हौसलेबाजी कौम है। 2005 का जलजला, 2010 का सैलाब, लोग जन्नत से लेकिन जितना भी इलाका तबाह हुआ यहाँ पे ऑलरेडी लोग गरीब थे। दूसरी ये भी देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन जो ना कार्बन एमिशन में सिर्फ 0.9% है। ये दुनिया का मसला है जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। ये जितनी कैटास्ट्रोफी आ रही है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड है, तो इसमें रिस्पांसिबिलिटी पूरी दुनिया की है। कल आपने देखा कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये कहा कि 30 अरब डॉलर के लॉसेस हैं जो वो एस्टिमेट कर रहे हैं। तो 30 अरब डॉलर आप सोचे कि पाकिस्तानी कौम कहां से लेकर आएगी? और ये वो कैटास्ट्रोफी है जिसमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन 1% से भी कम है और हम दुनिया के 8 जो वर्स्ट अफेक्टेड ममालिक हैं इसके क्लाइमेट चेंज के, हमारा ताल्लुक उनमें 7वां और 8वां नंबर है। तो मैं समझता हूं कि जहां पाकिस्तानी कौम अभी भी कोशिश कर रही है, और मेरी गुजारिश उनसे अभी भी होगी दो बातों पर, एक तो ये कि हर शख्स जनरसली कॉन्ट्रीब्यूट करे, और फिर यह कि जो लोग ऑलरेडी अफेक्टेड है वो अपने इलाकों में, जो गरीब हैं, नाचार लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, जो खवातीन हैं, उनके ऊपर भी फर्ज बनता है कि उनका ख्याल रखें। लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो इस कैटास्ट्रोफी में हमारा साथ दें। जी फरा अदीम शाह साहिबा, मईशत जहां इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर इन इलाकों में खराब हुई, मुल्की मईशत पर भी उतना ही बुरा असर पड़ रहा है। अगर 1.3 बिलियन डॉलर का सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, जो कि इसी मॉड की रिपोर्ट है, अभी तो ये इनिशियल रिपोर्ट है, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है। हमारी हुकूमतें भी कुछ न कुछ कर रही हैं, आलमी बरादरी भी आ रही है, कुछ हमारी तवक्कोआत पूरी होंगी कि नहीं होंगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से देखिए, हमने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था बलूचिस्तान में। जिस तरीके से चैरिटी रेजिंग और फंड रेजिंग की अपील ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की थी, और उसके बाद हमारे सिपा सैलार, हमारे आर्मी चीफ ने भी की थी, उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था इस्लामाबाद में, जिसमें 20 के करीब यूएन एजेंसीज ने शिरकत की थी, और तमाम वो एम्बेसीज जो किसी भी इमरजेंसी सूरत से निमटने के लिए दूसरे मुल्कों में मदद करती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो हमें बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिला है। यहां मैं आपसे ये बात करूं कि चीफ मिनिस्टर ने एक बात पर बड़ा जोर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी, हमने जो साफ शफाफ तरीके से जो भी एड आएगी वो इफेक्टिव तक पहुंचनी चाहिए, इस पे भी हम पैरेलल काम कर रहे हैं। और देखें, तबाही तो बहुत ज्यादा आई है, जिस तरीके से अभी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, चावलों का एक सीजन होता है, उसके लिए भी एक हद तक पानी दरकार होता है। अच्छा, तो चावलों की फसलें तबाह हो गई हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस की बात की आपने, एक डोनर कॉन्फ्रेंस जो इधर स्मॉल लेवल पे थी, अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल कह के गए कि वो आलमी सतह पर एक ब्रॉडर डोनर कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या बुलाएंगे, उस सिलसिले में क्या करना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, डोनर कॉन्फ्रेंस में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आप चूंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जी उस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भेजें जो सही तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा जो है वहां पर रखें, और सही तरीके से जो एक रियल पिक्चर है, हमें जितने नुकसानात हुए हैं इस सैलाब के हवाले से, और बलूचिस्तान में तो बेहद नुकसान हुआ है, और उसके बाद सिंध में भी आप देख रहे हैं सूरत हाल, तो वो सही तरीके से वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, सबसे पहले तो ये बात। और दूसरी बात ये देखें, मैंने बहुत सारे शौकसा मुल्कों का ट्रैवल किया है, क्योंकि मैं वैसे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। पाकिस्तान की लॉबी बहुत कमजोर है, हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान हमेशा से, आप देखेंगे दहशतगर्दी की जंग हो या वैसे भी किसी भी हवाले से, हमारी पाक आर्मी हर जगह मौजूद होती है, हम हर किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की लॉबी जो है उस पे काम करने की बेहद जरूरत है। और जितने भी डिफरेंट कंट्रीज में मैं गई हूं, अगर हम कश्मीर इशू पे भी बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान के मौकिफ का पता ही नहीं है। तो पाकिस्तान की लॉबी को मजबूत करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके होने चाहिए, एम्बेसीज को भी इस तरीके से आप जरूर इंस्ट्रक्शंस दें कि
कि पाकिस्तान की लॉबी पूरी दुनिया में मजबूत तरीके से हो और सही तरीके से हो, इसकी बेहद जरूरत है। वेल सेड फरा साहिबा, वेल सेड। इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, माहौलियाती असरात की बार बार बात की जा रही है, हम पे ये नजला गिर गया, हम पे क्यामत ढा गई रादर, अब इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, दुनिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हो गया, इस साल हो गया, खुदा न खास्ता अगले साल हुआ, फिर अगले साल हुआ, उससे अगले साल हुआ, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमें अभी से तैयारी करनी है, क्या करेंगे, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सैलाब से होने वाली तबाही की सूरत हाल पर और किस तरह से मजीद लोगों को, मजीद बच्चों को, मजीद खवातीन को, मजीद बच्चियों को बचाया जाए, न सिर्फ इस पानी से बल्कि बीमारियों से, न सिर्फ बीमारियों से बल्कि भूख से, और न सिर्फ भूख से बल्कि आने वाली सर्दियों के उस असरात से, क्योंकि इन तमाम इलाकों में सवात से लेकर क्वेटा तक शदीद सर्दी पड़ती है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। नादिर गुल ब्रिज साहब, माहौलियात की बात तो हम कर रहे हैं, और यकीनन पहले इधर कहा जाता था कि ये पता नहीं कोई एनजीओज का एजेंडा है, ये फैंसी एजेंडा है, लेकिन अब साबित हो गया। इन माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला कैसे फिर किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले तो पूरी दुनिया की रिस्पांसिबिलिटी है कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ आए, हम कार्बन एमिशन को कम करें, पूरे वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल से निकले। जहां तक मुतबादिल ज़राए हैं उन पे, एग्जैक्टली, जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम कंट्रीब्यूटर नहीं है कार्बन एमिशन के, लेकिन हमने इसको प्रिवेंट करना है, हमने अपने अपने लिए प्लानिंग करनी है, बचाना है बेसिकली, से क्योंकि फ्लैश फ्लड अब नॉर्मल होगा, आपके ड्राउट नॉर्मल फिनोमेना बन जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक तो यह है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करने की जरूरत है। अगर हम स्टार्ट लें, फॉर एग्जांपल, अभी हमने इस फ्लड में भी देखा, 2010 के फ्लड में, कि जो हमारी हाउसिंग सेक्टर है, हमारे लोगों की जो आखिरी पनागाह है वो रोड है, इसलिए कि रोड जमीन से 5 फुट ऊपर बन पर है। तो एक तो इसको जहन में रखिए, हमें अपने घर जो है कम अज कम एलिवेट करने चाहिए, जितने भी घर हैं। इसके अलावा हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है, हमें डैम्स की जरूरत है, हमें चेक डैम्स की जरूरत है, हमें मैं अप्रिशिएट करता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 10 बिलियन सुनामी ट्री का प्रोग्राम चला है, उसके ऊपर हमें मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके अलावा यह कि हमें थोड़ा सा हमने देखा, यानी मजीद दरख्त लगाने की जरूरत, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये है कि हमें जो हमारे प्लेन एरियाज हैं उसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम लगाने की बहुत जरूरत है, चाहे हमारा बलोचिस्तान का किनारे रिलेटेड एरिया या पूरे का पूरा सिंध। यहाँ तो बड़ी साहब जो नेचुरल वाटर वेज है, हम उन पर तजावजात करके महल बना के दरियाओं के अंदर हम होटल बना के फिर रोते हैं कि यार वो हमारा होटल तबाह। देखिए, तो हमें सबक सीखना पड़ेगा, हम नेचर के साथ जब ज्यादा करेंगे तो नेचर तो फिर लैश बैक करेगा। तो बेसिकली ये कि ये जो हमने पानी के रस्तों में घर बना लिए हैं, सबसे पहले तो इसको देखने की जरूरत है कि हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट प्रॉपरली रेगुलेट करे और ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं दी जाए जो कि पानी की गुजरगाहें हैं। और इसके साथ साथ इसी तनाजुर में यूएन सेक्रेटरी जनरल इधर आए, अक्वामे मुत्तहिदा हो, दीगर आलमी इदारे हों, क्लाइमेट चेंज के असरात से बचने के लिए वो हमारे लिए क्या करें, हम क्या कहें उनको? देखिए जी, हम तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। उनको जो चाहिए वो यही है कि जो अभी अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 30 बिलियन डॉलर का लॉस है, तो बेसिकली उनको हमें मदद करनी चाहिए कि हम आने वाले कंपनसेट भी करें और आने वाले दिनों में जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर हमने काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने काम करना है, हमने घरों पे काम करना है, हमने जो वाटर के हमारे जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर हमने काम करना है, जो गुजरगाहें हैं पानी की उसके ऊपर हमने काम करना है, हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, हमने जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं उसके ऊपर हमने काम करना है, जहां हमें तामन दें, बिल्कुल, वो हमें सपोर्ट करें, बिल्कुल, हमें कंट्रीब्यूट करें, बिल्कुल। न्याय साहब, हेल्थ का शोभा, कोई भी डिसास्टर हो, बेसिकली इंसान है तो हेल्थ का शोभा है। जब हम दुनिया की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो असरात है उसमें हेल्थ ही खराब हुई और क्या हुआ। इस हवाले से दुनिया से क्या कहें, हमें मेडिकल साइंस में, मेडिकोज में, हॉस्पिटल्स में, इक्विपमेंट्स में क्या डिमांड रखनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को? डोनर कॉन्फ्रेंस होनी है बड़े लेवल पे, वजीर आजम अभी न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं। देखें जी, माहौलियात का जो असर है सेहत के ऊपर, वो तो WHO की इस साल की थीम है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन हेल्थ।
तो ये तो हमें नजर आ रहा है। और पाकिस्तान अगेन जिस तरीके से अभी बात हो रही है बार बार कि पाकिस्तान फोर फ्रंट पर है उसके असरात के जो आ रहा है हमारे सामने। देखें हमें अभी मैडम ने भी बात की, हमें आवाज उठाने की जरूरत है, हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं ये उनके बनाए हुए हैं। और सेहत के इसी तरीके से इसी तरह हमारे पास सेहत के अंदर भी उनकी ज़रूरत है कि वो हमारे सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में हमारे साथ वो ये मदद करें। और इस किस्म की डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है हेल्थ केयर की जब आएँ तो उनको भी, और ना सिर्फ डिज़ास्टर के बाद नहीं, जो मालियात की जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की क्लाइमेट चेंजेस की ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर हमारी उसके ऊपर उनको कंट्रीब्यूशन और कंपनसेशन देनी होगी। बेशक इसके लिए हमें अगर कोई लीगल तरीका भी अख्तियार करना पड़े तो करना चाहिए। असिस्टेंस तो देखे ना, वॉर ऑन टेरर में न्याई साहब पाकिस्तान का नुकसान हुआ, 60-70 हजार पाकिस्तानी जान बाकुए, $100 बिलियन से ज्यादा हुआ। दुनिया इतनी तो जेनरस नहीं है कि वो उसको भी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। सेक्रेटरी जनरल आए थे वो चले गए, महीने बाद अगर हमारी एडवोकेसी हमारा प्रोएक्टिविज्म नहीं रहा तो भूल जाएगी दुनिया। बिल्कुल जी, देखे ना अब आप मालदीव्स को देखें, उनके प्राइम मिनिस्टर को देखें, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग समुन्द्र के अंदर की उसको उजागर करने के लिए कि उनका जो वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है उसके क्या असरात होंगे। हमें ड्रामेटिकली वेरी ऑर्गेनाइज तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जहां भी जिस जगह पे है उसको ये करना पड़ेगा। मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बात की कि हमारी लॉबिंग बहुत कमजोर है, हमारे मिशंस को हमें थोड़ा सा इंकरेज करना पड़ेगा। कैपेसिटी है, ये नहीं है कि हमारे मिशंस में कैपेसिटी नहीं है। एक डायरेक्शन देकर उनको एक एजेंडा देना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस को आगे स्टेप अप करके कि जी वो सारी चीजों को उजागर करें। देखें अगर हमें हमारा नुकसान होगा somebody has to compensate and the world has to step up and compensate, ये चॉइस नहीं है, उन्होंने हम पर ये मुसल्लत कर दिया और अब हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हक के लिए लड़ना पड़ेगा फरा अदीम शाह साहिबा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी एग्जैक्टली यही कहा कि पाकिस्तान नीड्स जस्टिस, पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ दुनिया से कैसे लेंगे। जी देखिए शौकत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री, पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है अल्लाह के करम से। पाकिस्तान में सिर्फ हमें कुछ सिंसियर ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान को सही तरीके से पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके, और ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसे लोग मौजूद हैं, बस उनके हाथों में ये है कि बस कुछ पावर्स देने की जरूरत है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और ये बात ये नहीं है कि हम एक दफा जाके रिप्रेजेंट कर दें, नहीं, हमें बार बार जाना पड़ेगा, हमें हर बार जाना पड़ेगा और हर मुल्क में जाना पड़ेगा, हर प्लेटफॉर्म पर जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी स्ट्रांग लॉबी की जरूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूं कि वो लाजमी एक ऐसी टीम तरतीब दें कि जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करे डिफरेंट जितने भी इश्यूज हैं उस हवाले से। और ये आपको मैं बताऊं, दिस इज द नीड ऑफ द डे। अभी आप ये देखें कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं और बलूचिस्तान तो बहुत ही तबाह हो गया है। अगर अब भी हमने होश के नाखून ना लिए और एक कौम बन के ना उभरे यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दिस इज द टाइम, अल्लाह ने हम पे ये आजमाइश जरूर डाली है, लेकिन ये हमें कुछ सिखा के जाएगी, कुछ सिखा के जाएगा। एक मिनट, शाह साहिबा, कुछ सिखा के जाएगा। यही बात सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कर रहे थे कि वॉर अगेंस्ट नेचर, यानी कुदरत या फितरत के खिलाफ हमें जंग बंद करना होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में क्या करना पड़ेगा फिर हमें? मैं एक और बात आपको बताऊं शौकत साहब, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में सिरे से क्लाइमेट चेंज पे पॉलिसी ही नहीं थी, ये तो हमारी हुकूमत ने अभी इस पे काम करना शुरू किया है। आप सोच सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे बलूचिस्तान में कोई पॉलिसी ही नहीं थी। अभी चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और हमने एक्सपर्टीज की मदद से अब इस पे काम करना शुरू किया है। तो ये कुछ ऐसी अहम चीजें हैं जिन पे अभी हमने चंद माह में इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आगे भी हमारे पास चंद माह हैं, लेकिन हम ऐसी मिसाल कायम कर जाएंगे कि आने वाली हुकूमतों को ये पता चल जाएगा कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी
بہت شکریہ فرا عظیم شاہ صاحبہ ترجمان حکومت بلوچستان یاسر خان نیازی صاحب بہت شکریہ ایم ڈی اکبر خان نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل آپ تشریف لے آئے بڑے صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ناظرین سیلاب کے حوالے سے سیلاب کی تباہی کے حوالے سے مرنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے اور جو بچ گئے ہیں ان کو زندگی کی امید دینے کے لیے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کوشش کی بھی ضرورت ہے ریچ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے نہ صرف پاکستان کے اندر ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ انصاف جو دنیا سے ہم نے لینا ہے مانگنا نہیں ہے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں چھیننا ہے کیونکہ 1% ایمیشن یعنی کاربن خارج کرنے والا ملک 1% سے بھی کم ہے اس میں اتنی بڑی تباہی آ گئی اور جو ذمہ دار ممالک ہیں جن میں میجورٹی G20 ممالک کی ہے ان کے ساتھ مسلسل افیکٹو لابی بھی کرنی ہے تاکہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا پھر اس سے اگلے سال ہمیں بار بار یہ تباہی نہ دیکھنا پڑے اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے خدا حافظ